नमस्कार मित्रगणों, इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। दरअसल 11 और 12 अगस्त दो दिन रक्षाबंधन का त्यौहार है, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा की तिथि दो दिन है और 11 अगस्त गुरुवार को भ्रतकाल का साया रहने के कारण लोगों के मन में भ्रम है, क्योंकि भ्रतकाल में शनि की छोटी बहन के दिन राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इसलिए रक्षाबंधन 11 और 12 दिनों में उलझ गया है। हम आपको शुभ घड़ी की गणना करके बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताएंगे कौन सा समय सबसे ज़्यादा हिंदू मुहूर्त के अनुसार शुभ होता है। रक्षाबंधन का त्यौहार हर वर्ष सावन माह की पूर्णिमा तिथि पर व्रत रहित काल में मनाया जाता है। यह पर भाई बहन के पवित्र रिश्ते स्नेह और प्यार का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हुए आरती उतारती हैं और भगवान से उनके जीवन में सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना करती हैं। इस बार सुबह से शाम तक व्रतकाल रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। हिंदू पंचांग पर नज़र डालें तो इस वर्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 11 अगस्त को सुबह 10:38 से शुरू हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि का समापन 12 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7:05 होगा। ऐसे में ज्योतिषचार्यों के अनुसार रक्षाबंधन को केवल कुछ समय तक 11 अगस्त को मनाया जा सकता है। इस बार रक्षाबंधन के पर्व भ्रतकाल का साया रहने की वजह से 11 अगस्त को केवल अभिजोत मुहूर्त में अगर बहुत जरूरी हो तो राखी बांधी जा सकती है, अन्यथा 12 को सुबह शुभ मुहूर्त है। मुहूर्त की गणना के अनुसार जो भ्रतकाल निकाल कर शुभ समय निकालते हैं उनके अनुसार 11 अगस्त सुबह 11:37 से 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। शास्त्रों में अभिजीत मुहूर्त के दिन सभी मुहूर्तों से सबसे अच्छा और शुभ मुहूर्त माना गया है। इस अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य या पूजा की जा सकती है। इसके अलावा 11 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:14 से 3:07 पर विजय मुहूर्त रहेगा। इस काल से भ्रतकाल के रहते हुए राखी बांधी भी जा सकती है। फिर भी अगर हिंदू पंचांग के शुभ बिल्कुल शुभ मुहूर्त पे डालें गौर तो रक्षाबंधन 11-12 अगस्त को किस दिन मनेगा, इन दोनों तिथियों का शुभ मुहूर्त हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। हिंदू पंचांग पर लिखा है सावन मास की पूर्णिमा 11 अगस्त को सुबह 10:38 से आरंभ होकर 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगी। ऐसे में लोगों में दुविधा है 11 अगस्त को मनाया जाए या फिर 12 अगस्त को, जो कि ज्योतिषचार्यों के अनुसार 11 अगस्त को भ्रतकाल का साया होने के कारण कुछ लोग रक्षाबंधन का पर्व 12 अगस्त को मनाएंगे। 11 अगस्त को भ्रतकाल से रात 8:51 तक समय ही हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद किसी भी शुभ कार्य की मनाही होती है। इसलिए बहनें भाई को ना ही भ्रतकाल में राखी बांध सकती और ना ही रात में। इसलिए कुछ पंडित 12 अगस्त को भी रक्षाबंधन मनाना शुभ मान रहे हैं। अगर आप रक्षाबंधन 12 अगस्त को मना रहे हैं तो सुबह 7:05 से पहले ही भाई को तिलक लगाकर राखी बांध दें। चलिए हम जानते हैं कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन व्रत काल में क्यों राखी नहीं बांधते और कौन है व्रत काल। व्रत काल 11 अगस्त सुबह 5:17 से शुरू होकर 6:18 पर खत्म हो जाएगा। फिर भी हिंदू धर्म में रात में शुभ कार्य न करने की वजह से सुबह शुभ मुहूर्त है। 6:18 से व्रतकाल रात्रि 8 तक रहेगा। इस दौरान भाई कलाम बहन एक दूसरे को राखी बांधने से बचे। अगर किसी कारणवश व्रतकाल में राखी बांधना पड़े तो प्रदोष काल में अमृत शुभ लाभ का चौघड़िया देखकर राखी बांध सकते हैं, जो हम पहले बता चुके हैं, जिसे अभिजीत काल भी कहते हैं। 11 अगस्त को अमृत काल 6:55 से रात 8:20 तक रहेगा। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त व्रतकाल में क्यों नहीं बांधते हैं राखी, अगर इस पर गौर करें तो बताया गया है व्रतकाल में राखी बांधना वर्जित है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार लंका नरेश रावण के बहन ने व्रतकाल में राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण का स्वर्गवास सर्वनाश हो गया था। व्रतकाल को बहुत ही अशुभ माना जाता है। व्रतकाल में राखी बांधना अशुभ संकेत है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि शनिदेव की बहन का नाम भ्रदा था। भ्रदा का स्वभाव बहुत क्रूर था। वो हर
मंगलिक कार्य शुभ पाठ यज्ञ में विधियाँ डालती थी, लिहाजा व्रत काल में कोई शुभ काम करना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके परिणाम बहुत अशुभ होते हैं। इसीलिए लंका नरेश रावण की बहन ने रावण को जब राखी बांधी तो उसका सर्वनाश हो गया। इसलिए इस काल से बचना ज़्यादा उत्तम रहेगा। जय हिंद, जय भारत माता की। रहस्यमयी इंडियाई ब्लॉग की भक्ति दुनिया में आपका तहे दिल से स्वागत है।